आज हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे इजी मेथड के साथ, तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। ये एक क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी की गई तो वस्तु को पुनः उसी कीमत पर लाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, किसी वस्तु को 40% कम कर दिया गया, फिर से उस वस्तु का कीमत वहीं पर लाना है तो कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा, यही कह रहा है। तो 40% की कमी की गई है तो 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100, ये हो गया 2/5। अब देखिए, पहले कीमत और बाद में कीमत। पहले कीमत था 5 और बाद में 2 घट जाएगा, बाद में कीमत हो गया 3। अब क्या कह रहा है, उसी कीमत पर लाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। उसी कीमत यानी कि अब ये वाला कीमत हो गया 3, अब कीमत हो गया 3, अब 3 से हमको 5 लाना है तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 2 का वृद्धि करना पड़ेगा। किस में, इसमें करना पड़ेगा, जो बाद की कीमत है उसको पहले की कीमत पर ही लाना है तो 2 का वृद्धि करना पड़ेगा, लेकिन बाद वाले कीमत से यानी कि 2 का वृद्धि करना पड़ेगा और बाद वाली कीमत यानी 3, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 200/3, यानी कि 3 × 18 2, ये हो गया इसका आंसर। समझिएगा, 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं और कमी की गई है यानी कि पहले का कीमत ज़्यादा होगा, बाद का कीमत कम होगा। पहले का कीमत 5 हो गया, ये नीचे वाला पहले का कीमत 5 हो गया, 2 की कमी की गई है तो बाद का कीमत 3, और 3 से फिर बाद वाला कीमत से फिर पहले वाला कीमत पर ले जाना है तो यहाँ से हम इसके बीच का डिफरेंस 2 है, यानी 3 से 5 ले जाने के लिए 2 बढ़ाएंगे। अब किससे बढ़ाएंगे, ये 3 × 3 हो गया × 200, इतना परसेंटेज निकल गया। आइए अगला ये क्वेश्चन देखिए, जल के कर में 10% की वृद्धि हो गई है तो लोगों ने इसका उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जिससे राजस्व पर कोई असर न पड़े। जैसे 10% की वृद्धि की गई है जल कर, कर है एक टैक्स है जिसको 10% बढ़ाया गया है तो लोगों ने उसकी वृद्धि को रोकने के लिए कितना प्रतिशत उसका यूज कम करना पड़ेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, यहाँ पहले और अब। देखिए, पहले कितना था, पहले 10 था, अब एक टैक्स बढ़ा दिया गया, एक बढ़ाया गया है टैक्स तो अब कितना हो गया, 11। अब देखिए, इसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कम कर दी जाए जिससे राजस्व पर कोई असर न पड़े। अब देखिए, अब क्या हो गया है, 11, हमको 11 से फिर 10 ही के पास जाना है, मतलब यूज जो है 10 ही रहना चाहिए तो हम कितना कम करेंगे, -1, 1/ किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में हमको करना है तो 1/11 × परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 9.9 × 1/11% आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, y x से 20% अधिक है तो x y से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए, y x से 20% अधिक है तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x और y दे देंगे, अब y x से 20% अधिक है, x से y अधिक है यानी x हो गया 5 तो y कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 1 बढ़ जाएगा
तो अब क्या पूछ रहा है, तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो पूछ रहा है एक्स कितना प्रतिशत कम है वाई से। देखिए यहाँ पर एक्स वाई से कितना, माइनस एक है, एक बट्टा। अब पूछ रहा है वाई से कितना कम है, वाई से यानी वाई से कितना कम है, तो बटा में लेंगे वाई का वैल्यू यानी 6 × 100, इतना परसेंटेज आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, और ए और बी, ए की आय बी से 25% अधिक है, ए की आय यानी ए अधिक है बी से, यानी बी का दिया हुआ 4 तो ए का क्या हो जाएगा 5। अब पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय यानी बी की आय ए की आय से, -1 है, एक कम है, तो 1/किस से, बी की आय ए की आय से यानी ए की आय से, यानी अब ए का वैल्यू लेंगे नीचे 5 × 100, ये हो गया 20% इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये देखिए यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 20% कम है तो श्याम की ऊंचाई राम से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, 1/5। अब राम और श्याम, यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 20% कम है, राम की ऊंचाई श्याम से 20% कम है, यानी कि पहले श्याम का दिया हुआ है यानी 5 हो गया श्याम का, अब राम की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 5, एक घट जाएगा, कम है तो एक घट जाएगा, तो 4। अब पूछ रहा है तो श्याम की ऊंचाई राम से कितना प्रतिशत अधिक है, श्याम की ऊंचाई राम से कितना प्रतिशत, राम से कितना अधिक है, +1 अधिक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, श्याम की ऊंचाई राम से, राम से कह रहा है, तो नीचे हम राम का लेंगे इंटू 100 का देंगे, तो ये आ गया हमारा 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि घी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर देखेंगे घी के मूल्य में 10% की कमी, 10% बराबर 1/10 पहले और बाद में, पहले इसका दाम कितना था, 10 था, अब 10% की कमी कर दी गई तो अब इसका दाम कितना हो गया है, 9, एक घट जाएगा क्योंकि कमी की गई है, ऊपर में एक है तो घट जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ गया। तो अब देखिए क्या पूछ, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो ये बाद वाला हो गया, पहले पर ही जाना है, पहले वाले में ही जाएंगे, तो यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा, तो एक बढ़ाएंगे किसके रेस्पेक्ट में बढ़ाना है, इस बाद वाले में एक बढ़ाना है तो बाद वाले के रेस्पेक्ट में बढ़ाएंगे 1/9 × 100, तो ये आ गया हमारा 11 पूर्णांक 1/9% आंसर।